अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस के आज 28 साल हो चुके हैं। 4 महीने पहले राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो चुका है। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को अयोध्या में लाखों कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था। आज हमारे साथ इस घटना पर बातचीत करने के लिए आरएसएस के सरोज झा जी हैं। सर, आपका सबसे पहले जनता शो के इस खास बातचीत में स्वागत है। सर, आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये समाज का एक स्वाभिमान का प्रतीक था। उस दिन का जो बाबरी मस्जिद का टूटना, क्योंकि समाज को ऐसा लगता था कि एक खासकर हिंदू समाज, भारतीय समाज को, कि एक कलंक का टीका है। क्योंकि जहां भगवान राम का जन्म हुआ और उस जगह अगर भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं हो सकता, जबकि ये मालूम है कि सबको यहां पर जो बाबर जैसे आतिताई शासक के समय में वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, तो इसलिए समाज को लगता था कि एक स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में इसको धूल दस्तित करना जरूरी था और समाज ने उसका एक प्रकटीकरण किया। सर, साल 2019 में नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत जमीन का मालिकाना राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में सुनाया गया। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने के आदेश भी दे दिए गए, जिसके बाद 5 अगस्त को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया था। लेकिन उसके बाद भी जो बाबरी मस्जिद के फेवर में लोग हैं, उनके विवादित बयान आए दिन आते रहते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं नहीं, आप कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आ गया है और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वहाँ शिलान्यास किया जा चुका है, तो अब इसमें कोई विषय नहीं है। कुछ लोगों की ये जरूर है कि दुकानदारी ख़त्म हो गई तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, और राजनीति में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको करके उनको लग रहा है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन भारत की संपूर्ण जनमानस जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके साथ है। जिस तरीके से अभी भी जो बाबरी मस्जिद के जो फेवर में लोग हैं वो अभी भी लगातार कई राज्यों में अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और राम मंदिर के खिलाफत में बोलते रहे, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि अब भी वो संभल जाएं, क्योंकि देश की जो सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश देती है तो उसको ना मान करके और फिर अपनी राह गलापना, मुझे लग रहा है कि ये देशद्रोही का काम है, क्योंकि संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। और हिंदू समाज ने भी एक समय में ऐसा किया था, या बहुत भी और लोगों ने, कि नहीं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। ऐसा अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आ जाने के बाद इस तरह की कोई प्रतिक्रिया होने का कोई तर्क नहीं होता है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो उनको ये सोचना चाहिए कि एक इस देश का एक कानून है, एक संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो फैसला होगा उसको मान्य सबके लिए है और मानना चाहिए। सर, सोशल मीडिया में कई ऐसे लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के फेवर में आकर के कई विवादित बयान दे रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, विवाद तो मैं कहा ना, कुछ लोगों की अपनी है कि एक दुकानदारी है, और राजनीति में कई बार क्या होता है कि अस्तित्व के लिए भी करते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसा है। लेकिन भारत की जनमानस जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ है, और भारतीय संस्कृति भगवान राम के उनके आराध्य हैं, श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं, और अयोध्या एक भव्य मंदिर बनेगा अयोध्या में भगवान राम का, और जैसा कि आपने देखा है कि अभी दीपोत्सव कार्यक्रम भी हुआ, तो इस तरह के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी रहा, शासन प्रशासन का भी साथ रहा, और ये जो वैश्विक महामारी के बाद विश्व का सबसे बड़ा एक तीर्थस्थल के रूप में वो डेवलप हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भारत के लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर मिलने वाला है। सर, इन चंद मिनटों में अगर हम बाबरी मस्जिद के इतिहास पर अगर हम प्रकाश डालें तो आपकी नज़रों में बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या है, और ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, और फिर कहा जाता है कि राम लला का वो जन्मभूमि है, तो बाबरी मस्जिद वहाँ कैसे बना? देखिए, ऐसा था कि जो मुग़लों का एक समय रहा उसमें में ये रहा कि जितने भी हिंदुओं के आराध्य स्थल रहे हैं उस जगह एक सुनियोजित ढंग से ऐसा रहा कि उनको ऊपर से डिमोलिश करके ऊपर से नीचे का तो जर में है ही, क्योंकि पुरातत्वविद ने खोज लिया कि वहाँ मंदिरों के अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, और वो भी कई हज़ार वर्ष पुराने मिले हैं। तो उनको ये लगा था कि हिंदू सेंटिमेंट को, या यहाँ की जो भारतीय जो सेंटिमेंट है, अब इस हिंदू कहने से थोड़ा लोग बड़ा समझते हैं, जो सनातन धर्म था उस सेंटिमेंट को तोड़ना है, तो सबसे पहले उनका आस्था का केंद्र क्या, मंदिर है,
तो हम मंदिर पर जब ऐसा हमला करेंगे तो वो होगा कि वो समाज दबेगा, एक ऐसी उनकी सोच थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस कारण से उन्होंने किया है। तो ये उनको लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी कहा है कि यहाँ की कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, ये सभी मंदिरों से निकला है। तो मंदिर जो हमारे केंद्र थे, इसका मतलब विद्यालय केंद्र नहीं था, मंदिर केंद्र था। तो मंदिर पर हमने अटैक, उन्होंने अटैक किया हमारे मंदिरों पर, और उसके कारण लगा कि ये समाज जब एक मंदिर, आपको याद हो थोड़ा, मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि साउथ के मंदिरों में चबूतरा बनाया जाता था, वहाँ नृत्य होते थे, या उत्तर के में कुछ भजन कीर्तन के लिए कुछ आगे जगह हुआ करता था। तो इस तरह की एक सोच सुनियोजित था कि लोगों का इकट्ठा नहीं होना होगा एक जगह, तो फिर वो समाज बिखरा हुआ रहेगा। इस तरह की सोच से ही उन्होंने किया था, और ये मुग़लों का खासकर ये रहा कि एक बड़े सुनियोजित ढंग से उन्होंने किया कि इनकी गुलामी करने का एक सबसे आसान तरीका ये था। बाबरी मस्जिद के चाहने वालों को आप साफ साफ संदेश क्या देना चाहेंगे इस चंद मिनट में? नहीं, बाबरी मस्जिद तो कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद के ऐसे जो समर्थक हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि जो इस देश की जनमानस की आवाज़ है वो बाबरी के साथ नहीं है। इस बाबरी वर्ड ही अपने आप में जो शब्द है, इस समाज को नहीं पसंद है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो ऐसा, उनके भी दिमाग में गलत बातें भरी गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाबरी या बाबर इस देश के या मुग़ल इस देश के साथ सेंटिमेंट से नहीं जुड़ता है। बीच के कालखंडों में उसको गलत साहित्य में लिख करके या इतिहास में लिख करके उसका वर्णन किया गया है, लेकिन भारतीय जनमानस इस न बाबर को न मुग़ल बादशाह को कभी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और आने वाले समय में बहुत ऐसे घटनाएं होंगी और देखना होगा, देखिएगा आप लोग कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी है वो समय के साथ बदलेगा। और बदलना जो है ना, परिवर्तन तो समाज का एक नियम है। खास करके योगी जी उत्तर प्रदेश में लगातार उन नामों को बदल करके, यानी उन शहरों के नाम को बदल रहे हैं जिन शहरों का नाम को मुग़ल के शासनकाल में बदला गया था, आज उसे फिर से पुराना नाम खास करके देने की कोशिश की जा रही है, आप इसको कैसा देखते हैं? ये तो सकारात्मक पहल है, क्योंकि देखिए समाज का क्या है, कई बार उसको दबाने के लिए या फिर उसका जो एक रियल सब था उसको हटा दिया गया था। जैसे आप अभी इलाहाबाद से प्रयाग हुआ, प्रयाग नाम से ही जानते थे उसको, हमारे वेद धर्मशास्त्र सब में प्रयाग है, तो प्रयाग नाम में एक भावनात्मक लगाव है। तो मुझे लग रहा है कि इस ढंग के कई नाम बदलेंगे जहाँ से भारतीय संस्कृति का एक जो प्रकट होता है भाव, तो वो होना चाहिए, और इसमें कोई खराब भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा एक कदम है ये। सरोज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। खबरों के लिए देखते रहिए जनता शो।